सीतापुर में सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम आज आजम खान से जेल में मुलाकात करेंगे। बताते चले, कल रामपुर से सीतापुर आजम खान व उनके परिवार को शिफ्ट किया गया, तो वहीं उनके साथ ही सपा कार्यकर्ताओं का हुजूम भी लगा है। सपा के कार्यकर्ता पूर्व विधायक अनूप गुप्ता व उनके समर्थक जेल के बाहर मिलने के लिए बेचैन है। प्रदेश अध्यक्ष का इसी कड़ी में कहना है कि राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान उनके बेटे और उनकी पत्नी से मुलाकात करने के लिए सीतापुर पहुंचे हैं। बता दें, भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर आजम खान को फंसा रही है। भाजपा सरकार की साजिश है जो कि उसे कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता गरीब और कमजोर लोगों से बात करते हैं, अपनी बात को संसद तक लेकर खड़े रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सामाजिक लोगों पर ताना बाना बनाकर उन्हें फंसाने की लगातार कोशिश की है। अदालत ने उनको जो है रिमांड में भेज दिया और वो रामपुर की जेल में थे। बिना अदालत को सूचना किए यहाँ भेज दिया और रात में 3 बजे तक यहाँ शिफ्ट करके भेज दिया। तो निश्चित रूप से ये बदले की भावना की कार्रवाई है और ये लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। कोर्ट ने रामपुर जेल अधीक्षक को तलब किया है इसी मसले को लेकर। हाँ, निश्चित रूप से अदालत के फैसलों को सरकार नहीं मानती, संविधान पर विश्वास नहीं करती, मनमाने फैसले कर रहे हैं और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में जनता के आक्रोश का शिकार है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोगों में रोष है, दुख है और प्रदेश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का दमनात्मक रवैया चल रहा है, निश्चित रूप से आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी जनता की नज़रों से आज उतरी है और फिर सरकार से उतरी। रामपुर विधायक तंजीम फातिमा की तबीयत खराब है, क्या वो ट्रीटमेंट यहाँ मिल पा रहा है? और ट्रीटमेंट अभी जैसा मिल रहा है, आप लोगों ने पूछा है कि ट्रीटमेंट, उनको शुगर की पेशेंट है, बीमार है और तबीयत खराब है और जिस तरीके का व्यवहार सरकार के द्वारा किया गया है वो अरे किसका है भैया, हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत खराब है। मोबाइल बंद।